हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मन हफरा लियाकी ही बीरन वकाफी, जिसने अपने भाई के लिए गड्ढा खुदा वो खुद ही उसमें जाके गिरा। फारसी का मकुला भी है, जाहे कुनरा चाहे दरपश, जो शख्स दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ये वला यहिकल मकरु सैया इल्ला बि अहलिही, जो शख्स सूरतुल फातिर के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी दूसरे के बारे में बुरी तदबीर सोचता है वो खुद ही उसी पर पड़ जाती है। अबू जाहिल ने, मेरे दोस्तों अबू लहब ने अल्लाह के रसूल के लिए खड्डा खोदा और कहा कि यहीं आके मोहम्मद गिरेंगे तो हम सारे मारेंगे, और फिर क्या हुआ भाई, उसी खड्डा में खुद ही गिरा और उनकी जितने छेले हैं उसकी लश्कर सारे आके जो है ना उसी को मारना शुरू कर दी। खड्डा किसके लिए? अल्लाह के रसूल के लिए। उसमें कौन गिरा? खुद ही वो गिर गया। तो इसी तरीक़े से जो किसी के लिए अगर तदबीरें सोचोगे, तदबीर करोगे, तो याद रखना किसी के लिए अगर कुआं खोदोगे उसी कुआं में खुद ही गिरोगे, खुद गिरोगे उसी कुआं में। जो शख्स किसी दोस्त के बारे में बुरी तदबीर सोचता है तो वो खुद उसी पर पड़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मन हफरा लियाकी ही बीरन वकाफी, जिसने अपने भाई के लिए गड्ढा खुदा वो खुद ही उसमें जाके गिरा। फारसी का मकुला भी है, जाहे कुनरा चाहे दरपश, जो शख्स दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। गरज व मकरो मकर अल्लाह व अल्लाहु खैरुल माकिरीन। खबरदार, तुम क्या सोच रहे हो, तदबीरें सोच रहे हो, अल्लाह तुम्हारे से बेहतरीन तदबीरें सोचने वाले। अल्लाह तुमसे अल्लाह जो दाव पैच अल्लाह भी दाव पैच खेलने वाले हैं, अल्लाह भी तदबीरें बताने वाले हैं, अल्लाह भी तदबीरें बताने वाले हैं। तुम जो तदबीरें बताते हो, जो तुम तदबीरें करते हो, जो अल्लाह से बेहतरीन तदबीर जानते हो क्या कि अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। तो याद रखो, किसी के लिए कुआं खोदोगे उसी कुआं में खुद ही जाकर गिरोगे। तो लिहाजा हमें किसी से इनाद, जिद, दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, अपने दामान को बचाते हुए कलमा गो पढ़। मेरे दोस्तों, हम कलमा पढ़कर आज हमारे मुल्क के अंदर इंतशार को देखो मेरे दोस्तों। अगर कलमा के ऊपर लोग यकीन कर ले मेरे दोस्तों, इसी वाहदहू ला शरीक लक के ऊपर यकीन कर ले, वही अल्लाह की ज़ात कादिर मतलब, वही अल्लाह की ज़ात मुश्किल कुशा, वही अल्लाह की ज़ात हाजत रफा, वही अल्लाह की ज़ात है बादशाह देने वाले, वही अल्लाह की ज़ात है बादशाह को छीनने वाले, वही अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाले, वही अल्लाह की ज़ात है जलील करने वाले, वही अल्लाह की ज़ात के हाथ में, कुदरत के हाथ में तमाम तर भलाई है, वही अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर कुदरत रखने वाले हैं, वही अल्लाह आलिम कुल है, वही अल्लाह कादिर मतलक है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले सुपर पावर है। तो फिर हम किसी सुपर पावर को डरने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे असल सुपर पावर क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद अल्लाह की सिवा, किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ एक रब से होने का यकीन, अल्लाह के अलावा किसी से ना होने का यकीन, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा के अंदर कामयाबी, गैर की तरीक़ा के अंदर नाकामी, इस बात की यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाना, यही सबसे बड़ी सुपर पावर है, यही सबसे बड़े पावर है मेरे दोस्तों। इससे बढ़कर कोई पावर इस कायनात के अंदर नहीं है। अल्लाह की इशारा चाहिए मेरे दोस्तों। उसने ऐसे अपने नूरानी मखलूक को तैयार करके रखे हैं मेरे दोस्तों, अपने पर को दुनिया के एक कोने में लगा दे, पूरे दुनिया को इसे पलट दे। क्या ताकतवर हो तुम, कितनी बड़ी ताकतवर हो, कितनी बड़े कुव्वत वाले हो, कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। सारे सुपर पावर मेरे दोस्तों खाक में मिल जाएंगे, कोई सुपर पावर की कोई ताकत नहीं है, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ज़ात की है। तो लिहाजा हमें यकीन अल्लाह के ऊपर करना चाहिए मेरे दोस्तों, अल्लाह वादा हुला शरीक अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आना चाहिए और अपने ईमान को अपने दिलों में रासिक कर लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।